जी सलाम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा पैलेस में, जो कि स्पेन में मुसलमानों के जो दौर हुकूमत है उसकी याद दिलाता है। आज बड़ा अच्छा मौसम है, गर्मी भी बड़ी है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, और हम यहाँ पर आए हैं अलहमरा पैलेस को देखने के लिए। यहाँ पर इसके बाग भी हैं और इसके जो पैलेसेस हैं, जो महलात हैं, वो भी हम दिखाएँगे आपको। हमारे साथ बने रहिएगा। ये जी, यहाँ से आपको अल कस्बा का जो टावर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो नसिर पैलेस है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि कौन सा मंज़र हमारा मुंतज़िर है। ये जी फाउंटेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा और दिल फरेब मंजर पेश कर रहे हैं ये फाउंटेंस। अच्छा, ये जो नसिर पैलेस आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये 1238 में बनू नसर के पहले अमीर मोहम्मद इब्न अहमद ने इसकी बुनियाद रखी, और वक्त के साथ साथ इसमें मजीद काम होता गया। अच्छा, ये हम ज़रा ऊपर वाली मंजिल पर आ गए। ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड फ्लोर है इनके। खूबसूरती से यहाँ पर फवारे देख सकते हैं आप, फूल भी लगे हुए हैं, दरख्त हैं कुछ। खूबसूरती से काम है यहाँ पर किया गया दीवारों पर, और पुराने याद भी पढ़ सकते हैं आप। यहाँ से हम देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत इमारत है, बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से पेश करती है। ये जो है देख सकते हैं आप, पुरानी आयात लिखी हुई है। अच्छा, अगर यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू नज़र आएगा, जो कि बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो जी, मैं अब पहुंच चुका हूं गार्डन्स की टॉप पर, और यहां से आपको नसिर पैलेस दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां से जाऊंगा अल कस्बा की तरफ और फिर नसिर पैलेस की तरफ। तो ये सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आपको अल कस्बा में, जो गार्डन के साथ ही मुल्हिका कॉम्प्लेक्स है। अल कस्बा और नसिर पैलेस की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है इमारतें हैं वो देखने के काबिल हैं। अच्छा, ये अल कस्बा है, उसका एक दाखिली दरवाज़ा है यहाँ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पत्थर के छोटे छोटे स्टोन्स की जो बनाई गई है पाथ,
रास्ता बनाया गया है भाई जी, क्या कैजीमोंग, उसके बाद ये सीधा इस दरवाजे से अंदर जाता है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस्लामिक नक्श नगार और नक्काशी वगैरह कीजिए यहाँ। यह जिस वक्त मैं हूँ अल कस्बा में, अल कस्बा इसको कहते हैं, अल कस्बा इसका नाम है जो अरबी में है। ये नाम इसको इस नस्बत से दिया गया है कि ये जो गवर्नर के जो महलात थे उनको डिफेंड करने के लिए ये एक बस्ती बसाई गई थी कस्बा, जिसको जिसमें सब लोग जो थे मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के लोग, और ये उनकी रिहाइश थी यहाँ पर इस जगह पर। और वो डिफेंड करने के लिए गवर्नर के घर को, शाही महल को और इस इलाके को करने के लिए, और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फसीलें हैं, जो बड़े बड़े टावर्स हैं, वो डिफेंसिव जो है ना वो रोल अदा करते थे इस जगह को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए। ये जो भूल भुलैया आपको नज़र आ रही हैं, ये इसलिए बनाई गई थी कि दुश्मन के फौजी अगर यहाँ पहुँच भी जाते हैं किसी सूरत में, तो इन भूल भुलैयों में छुपकर उन पर हमला किया जा सके और उनके हमले को पसपा किया जा सके। और यहाँ पर किसी दौर में इस्लामी परचम लहराता हुआ होगा, लेकिन आज यूरोपियन, स्पेनिश और इस इलाका जो है कोर्दोबा, उसका परचम लहरा रहा है। तो ये थी जी हमारी आज की व्लॉग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मैं मज़ीद वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगा, उन वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिए, नई वीडियो तक खुदा हाफिज़। तो व्यूज़, हम बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है नसरत पैलेसेस। तो मिलते हैं आपको नसरत पैलेसेस की व्लॉग में।